हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ड्रामा क्वीन एन बी पर। तो आज हम गए नेहरू गार्डन, और नेहरू गार्डन अलवर में है। तो हम सब निकले नेहरू गार्डन के लिए, और ये हम पहुंच गए नेहरू गार्डन। बच्चों का आज गार्डन जाने का बहुत मन था, तो इसलिए हम सब बच्चों को लेके चले गए आज। और नेहरू गार्डन पहुँचते ही यहाँ पर छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई थी खिलौनों की, तो बच्चों ने पहले खिलौना लेने की ज़िद करी, पर हमने उन्हें झूला झुलाना ऐसे बहला लिया। अब हम उन्हें अंदर लेके गए झूला झुलाने के लिए। ये देखो अंदर से कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार के और रविवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पर डब्बू को यहाँ पर बोट में जाना था और टॉय ट्रेन में बैठना था। देखो टॉय ट्रेन, कितने सारे बच्चे और बड़े सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डब्बू ने टॉय ट्रेन में बैठने की बहुत ज़्यादा ज़िद करी, फिर हम उसको लेके गए। और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी, पर हम दोनों यहाँ पर वेट करने लगे। और फिर थोड़ी देर में अब आया हमारा नंबर और हम बैठ गए टॉय ट्रेन में। इसके बाद अब हम आगे गए। ये देखो कितना सुंदर अलवर की जगह जगह कहाँ कहाँ कौन कौन सी फेमस जगह उसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर बाला किला, सरिस्का, टाइगर रिजॉर्ट। अभी देखिए ये यहाँ पर बोटिंग हो रही है, पर जब हम पहुँचे बोटिंग करने के लिए तो यहाँ पर लॉक लग चुका था, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, फिर हम बोटिंग नहीं कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा बैठ के एंजॉय करने लग गए। ये देखो डब्बू क्या मजे ले रही है। अब यहाँ पे डब्बू और उसकी बुआ ने बहुत एंजॉय किया। डब्बू, उसकी बुआ और उसकी बहन यहाँ पर खेलने लग गए। अब थोड़ा यहाँ एंजॉय करने के बाद थोड़ा डांस भी करा। देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों के दोनों। अब डब्बू को थोड़ी देर में यहाँ पर दिख गया था फाउंटेन। डब्बू और उसके पापा गए फाउंटेन के पास। अब वहाँ पर फाउंटेन देखने के बाद जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकल रही थी उसको बहुत मज़े ले रहा था वो। अब इसके बाद हम सब ने फैसला किया अब हम आइसक्रीम खाएंगे। अब बच्चों ने खाई आइसक्रीम, हमने पी कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारा ख़त्म हुआ नेहरू गार्डन का विजिट। अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा ब्लॉग, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।